All right, good morning everyone. Good morning Harsh, good morning Rohan. Great. कहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं. राइट, हम लोगों ने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कुछ टर्म्स देखे थे एंड उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को ट्राई करवाए थे. ठीक है, एंड देन टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम का डिस्कशन किया था, इन विच आई स्पोक अबाउट दैट व्हाट इज स्पेक्ट्रम एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, एंड वी हैड सम डिस्कशन अबाउट why the spectrum of an atom is discrete, only particular wavelengths are present. ठीक है, नाउ इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था. ठीक है, देन फिर मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था फ्रॉम द बुकलेट, एफबीओ एंड एफबीएस क्वेश्चंस. आई एम श्योर आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे, उनके डाउट भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे एज इन द वीडियो एक्सप्लेनेशंस. All right, and so DPP भी दिया था, right? I remember DPP में भी एक DPP number 14 दिया था आप लोगों को try करने के लिए. उसके तो solutions खैर उसके नीचे ही लिखे हुए हैं. ठीक है, अभी आप लोगों के कुछ कुछ doubts आ रहे हैं मुझे, जैसे साकेत का doubt है, sir, do we have to make the graphs in first and fourth quadrant and not in the second and the third quadrant. अभी के लिए साकेत, हाँ, मतलब अभी हम लोग चीजें सिंपल रखना चाह रहे हैं ना. मैं आपको ग्राफ्स चैप्टर थोड़ा पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो अपन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही ऑब्जर्व कर रहे हैं बस ग्राफ्स को. अच्छा, देन हर्ष का डाउट है, we have a test on Saturday on mole concept for the 7th July batch. So, do we have a doubt lecture? हाँ, रख लेते हैं ना. आज आज कर लें doubt lecture after the class. आप लोग जिनको doubts हैं आप रुक जाओ और जो भी doubts हैं वो पूछ लो मुझसे. 7th July batch का आज Sunday को exam है mole concept का. इनफैक्ट मुझे जहां तक पता था 7 जुलाई का नहीं है अभी. सैटरडे संडे, हाँ 7 जुलाई, जैसे 7th एंड 25th जुलाई कंबाइंड हो सकता है. एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ. April 7th, 25th, and 7th June उनका पता था मुझे तो. So I was informed that, but हो सकता है कि शायद 7 जुलाई बैच में भी करवा ही रहे हो. क्वाइट पॉसिबल, मूल कंसेप्ट हो तो गया ही आप लोगों का. ठीक है, सो आज आफ्टर द क्लास आप लोगों को कुछ डाउट्स पूछने हैं तो लेट मी डू दिस थिंग. आज भी करते हैं और कल भी करते हैं. ठीक है, नहीं अच्छा, लेकिन कल तो अपना फर्स्ट क्लास है ना मॉर्निंग में. अच्छा, तो आप लोगों का कोई कल 1:30 के बाद में क्लास है? वन थर्टी के बाद में
ये आर्यश कह रहा है फिजिक्स का क्लास है, तुम्हारा स्पेशल क्लास है क्या आर्यश? बाकी लोगों का तो नो नो आ रहा है। किसका है फिजिक्स का क्लास कल 1:30 के बाद में? अच्छा 25 जुलाई बैच वालों का बोल रहा है ये, प्रशस्त भी बोल रहा है, मैथ्स का क्लास भी हो सकता है। तो ठीक है आज तो नहीं है ना, आज 1:30 के बाद में आप लोग अवेलेबल रहोगे डाउट्स के लिए? 3 बजे मैं एक डाउट सेशन रख लूं, एट 3 o'clock? अच्छा वो आज आज सुबह आपका मैथ्स का भी कुछ हुआ क्या? अच्छा, ओके। तो आज सुबह आप लोगों का मैथ्स का क्लास नहीं हुआ क्या? मतलब वॉज इट समथिंग गॉट कैंसल्ड? ओके ओके, हाँ तो हो सकता है फिर ZTM सर आप लोगों का फिर आज दोपहर में क्लास रखें। ठीक है तो देखो चलो ऐसा करते हैं, द ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व डाउट्स, ठीक है? तो आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास जब 1:30 को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जिन स्टूडेंट्स के पास में डाउट्स रेडी हैं, ठीक है, दे कैन स्टे बैक एंड हाफ एन आवर 1 आवर में जितने डाउट्स हम लोग कर पाएंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड फिर उसके बाद में एक और सेशन रख लेते हैं सम टाइम इन टुमारोज क्लास इटसेल्फ, ठीक है? कल का जो क्लास रहेगा, विद इन द क्लास आई कैन डेडिकेट सम मोर टाइम फॉर मोल कंसेप्ट का डाउट्स, विद इन क्लास करता हूँ, ठीक है? हाफ एन आवर 1 आवर कल की क्लास में भी कर लेंगे, चलेगा आप लोगों को ये? ठीक है, आई थिंक दिस विल बी बेस्ट गिवन द फैक्ट दैट आप लोगों के और भी कमिटमेंट्स रहेंगे। ठीक है, ऑल राइट देन। अच्छा सो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है? सो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पेक्ट्रम का आइडिया दिया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसा रहता है, उसी के ऊपर अपन अब अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, ठीक है? एंड पर्टिकुलरली फोकस करेंगे हाइड्रोजन एटम के ऊपर। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना किस तरीके से रहेगा। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज इन दिस मैनर दैट यू हैव अ ग्लास ट्यूब एंड इस ग्लास ट्यूब के अंदर से हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, ठीक है? एंड अक्रॉस दिस ग्लास ट्यूब यू अप्लाई हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस द हाइड्रोजन एटम्स विल गेट एक्साइटेड, ठीक है? यहां पे मैं लिख देता हूं, एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग
high potential difference ठीक है हाइड्रोजन एटम्स गेट एक्साइटेड. अब क्योंकि ज्यादा टाइम तक तो एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे नहीं एटम्स, वो उनका नेचुरल स्टेट नहीं है, तो दे विल हैव अ टेंडेंसी टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, सो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 एंड एक्साइटेड स्टेट मतलब उसके हायर n वैल्यूज 2, 3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो वो तो उनका नेचुरल स्टेट नहीं है. सो व्हाट विल हैपन इज दोज एक्साइटेड एटम्स विल डी एक्साइट एंड अपॉन डी एक्साइटेशन दे विल एमिट रेडिएशन. ठीक है, अपॉन डी एक्साइटेशन हाइड्रोजन एटम्स एमिट रेडिएशन. एंड इस रेडिएशन को हम लोग स्टडी करेंगे कैसे, वी विल पास दिस रेडिएशन थ्रू प्रिज्म एंड देन प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, रेडिएशन है यहां से आएगा, ये अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, एंड ऑल दोज कॉम्पोनेंट्स आर समथिंग मतलब विच आर बेस्ड ऑन द वेवलेंथ. ठीक है, जितने भी रेडिएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से उनका डिफरेंट डिफरेंट एंगल आ जाएगा एंड दे विल बी ऑब्जर्व ऑन दिस स्क्रीन. ठीक है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन यहाँ पे ऑब्जर्व. ठीक है, नाउ अब कैसा था उस जमाने में, उस जमाने में व्हाट हैपेंड वाज टेक्नोलॉजी लिमिटेड था. ठीक है, तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा था, ठीक है, उन साइंटिस्ट ने सबसे पहले तो क्या ऑब्जर्व किया, विजिबल रेज ऑब्जर्व किया. ठीक है, जैसे लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, गिव मी 1 मिनट, लेट मी शेयर द फुल स्क्रीन. एंड यहाँ पर लेट मी शो यू द एक्चुअल स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो जैसे ये वाला इमेज आप देखोगे, ठीक है, तो इनफैक्ट ये वाला बेटर है. सो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने देखा, ठीक है, तो उनको विजिबल रीजन में, ठीक है, क्योंकि विजिबल रीजन तो क्या है, आंखों से दिख जाता है, नॉर्मल ह्यूमन आई से दिख जाएगा, उसके लिए आपको कोई स्पेशल तरीका नहीं लगाना पड़ेगा. तो उसमें दे फाउंड दैट दीज लाइंस वर कमिंग आउट, पर्टिकुलर वेवलेंथ्स वर बीइंग ऑब्जर्व्ड. ठीक है, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था कि वो उसका इनवर्स ही होता है एमिशन स्पेक्ट्रम का, जो वेवलेंथ्स अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होंगी वो एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होंगी वो अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब रहेंगी. ठीक है, तो ये लाइन दिखी एंड दिस बिकेम अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, नाउ लेटर जब और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना दैट इट वॉज नॉट जस्ट विजिबल रीजन. ठीक है, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और चीजें पता पड़ी, सो विजिबल रीजन के अलावा और रीजन में भी रेडिएशन ऑब्जर्व हुए. ठीक है, विजिबल से कम वेवलेंथ्स यूवी रीजन में रहती है. ठीक है, तो वो भी ऑब्जर्व हुई
ठीक है, विजिबल से ज्यादा वेवलेंथ यानी कि इंफ्रारेड रीजन में भी रेडिएशंस आ रहे थे, वो भी ऑब्जर्व हुए। ठीक है, एंड जो जो साइंटिस्ट ये रेडिएशंस ऑब्जर्व कर रहे थे उनके नाम पर ये रेडिएशंस को रख दिया गया। जैसे जो विजिबल रीजन की रेडिएशंस थी देवर केप्ट आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट बामर। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में कुछ रेडिएशंस साइंटिस्ट को मिली उनके नाम के हिसाब से ऐसे पाश्चन ब्रैकेट, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस के नाम रख दिए। ठीक है, तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना दैट व्हेन दिस सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं, व्हेन दिस एंटायर एमिशन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंस ऑब्जर्व हो रही थी, पर्टिकुलर वेवलेंस ऑब्जर्व हो रही थी, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। नाउ जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन इटसेल्फ। नाउ अब जब हमें इसको स्टडी करना रहेगा, ठीक है, व्हेन वी विल हैव टू स्टडी इट प्रॉपरली, तो हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, यहां पर ऑब्जर्व करना। सो दीज एमिटेड रेडिएशंस, ठीक है, दीज एमिटेड रेडिएशंस करस्पॉन्ड टू द डी एक्साइटेशंस अकरिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब यहां पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, लेट मी एक्चुअली नॉट वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम, मैं एक मिनट ना दूसरे बैच में से ये निकाल रहा हूँ डायग्राम। हाँ, ठीक है, सो यहां पर ऑब्जर्व करना कैसा ये हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था तो वो एन इक्वल टू वन में था। ठीक है, एंड यहां पर आप नोटिस करोगे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उसको एक्साइट कर दिया, तो एक्साइट करने पर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू टू में चला जाए, एन इक्वल टू थ्री में चला जाए, ठीक है, एन इक्वल टू फोर में चला जाए, हो सकता है बाहर ही निकल जाए। ठीक है, आई डोंट इवन नो, इट कुड इवन गेट आउट ऑफ द एटम ऑल्सो। ठीक है, बट क्योंकि ये इसका नेचुरल स्टेट नहीं है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेट्स से एन इक्वल टू फोर में पहुंच गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहां से डी एक्साइट भी करेगा। अब जब वो डी एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इट कैन डायरेक्टली डी एक्साइट टू एन इक्वल टू वन, और इट कैन फर्स्ट डी एक्साइट टू एन इक्वल टू थ्री एंड देन डी एक्साइट टू एन इक्वल टू वन। ठीक है, ऐसे भी डी एक्साइटेशन हो सकता है, या फिर इट कैन डी एक्साइट इन सम अदर मैनर ऑल्सो। सो देर आर मेनी पॉसिबल वेज इन विच द डी एक्साइटेशन कैन अकर। ठीक है, फोर से डायरेक्टली टू पे चला गया और फिर टू से वन पे चला गया, राइट, फोर से थ्री गया, थ्री से टू गया, टू से वन गया, राइट, ऐसे भी डी एक्साइट हो सकता है। सो देर आर
मैनी पॉसिबल वेज ऑफ डी एक्साइटेशन. एंड यहां पर डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी गैप कितना है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन वेवलेंथ के रेडिएशंस एमिट हो रहे हैं, ठीक है. एंड ये एमिटेड रेडिएशंस हम लोग स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है. तो अब इनको हम लोग जब एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं किस तरीके से यहां पर ऑब्जर्व करना. दीज डी एक्साइटेशंस आर कैटेगराइज्ड फॉर प्रॉपर स्टडी, ठीक है, इन द फॉलोइंग मैनर. कैसे इनको हम लोग करते हैं यहां पर ऑब्जर्व करना. नाउ लेट मी पेस्ट दैट डायग्राम. ठीक है, ये N 1 2 3 4 क्या है, ये सब एनर्जी लेवल्स है हाइड्रोजन के, ठीक है. तो अब डी एक्साइटेशन हो रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है. तो कुछ भी पॉसिबल है, आप बोलोगे 6 टू 4 भी हो सकता है, तो ठीक है. ये यहां पर आप देखोगे तो ये 6 से 4 वाला डी एक्साइटेशन, ठीक है. तो अब जब हमें इनको स्टडी करना होता है तो हम लोग इनको इस तरीके से सेग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है, और इनके बकेट्स बना देते हैं. बकेट्स मतलब इनकी कैटेगरीज बना देते हैं, ठीक है. आफ्टर द साइंटिस्ट्स हु फाउंड देम. तो यहां पर ऑब्जर्व करना, ये जो डी एक्साइटेशन है जो किसी भी एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 पर आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 पर आ रहे हैं, इन डी एक्साइटेशन को हम लोग नाम देंगे लाइमन सीरीज, ठीक है, या फिर और भी नाम दिए जाते हैं इसको, ठीक है, के सीरीज. के सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो n इक्वल टू 1 शेल है इसको के शेल भी बोलते हैं. n इक्वल टू 2 को l, n इक्वल टू 3 को m, ठीक है, k l m ऐसा भी एक नोमेनक्लेचर है, ठीक है. और यू कैन ऑल्सो कॉल इट फर्स्ट सीरीज, ठीक है. नाउ उसी तरीके से अब ये जो दूसरा वाला यहां पर आपको बंच दिख रहा है ये क्या है, दीज आर ऑल डी एक्साइटेशंस हैपनिंग टू n इक्वल टू 2, ठीक है. तो इनको हम लोग साथ में एक नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड एज बामर सीरीज, ठीक है, बामर सीरीज और l सीरीज और सेकेंड सीरीज, ठीक है. तो इस तरीके से ये पहली 6 सीरीज का नाम आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप याद रखो, ठीक है, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. तो इसको थर्ड वाली सीरीज को बोलते हैं पाश्चन, फोर्थ वाली को बोलते हैं ब्रैकेट, फिफ्थ वाली को अभी पी साइलेंट होता है कि एफ साइलेंट होता है वो डिबेट है, मतलब दैट इज समथिंग जिन लोगों को आई थिंक जर्मन आती है, या आई थिंक जर्मन या ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था. सो फंड सीरीज बोलते हैं कि फंड सीरीज बोलते हैं, आई डोंट नो, हम लोग देसी है, हम लोग तो पफंड भी बोलेंगे चलेगा. एंड देन द सिक्स्थ वन इज हम्फ्री.
ठीक है। तो ये सीरीज के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ऑल emissions corresponding to de-excitation happening to n equal to 1, they are called as Lyman series. All de-excitations happening to n equal to 2 are called as Balmer series. All de-excitations happening to n equal to 3 are called as Paschen series. ठीक है, and so on so forth. Humphrey series क्या हो जाएगा? All de-excitations happening to n equal to 6. अभी 7 से 6, 8 से 6, 9 से 6, 10 से 6, so on so forth. जितने भी ये 6 पे आ रहे होंगे, उनको Humphrey series बोल देंगे. ठीक है? तो this is the name given to these de-excitations. अच्छा, यहाँ पर अब एक important note. ठीक है, यहाँ पर ध्यान से observe करना. एक इंपॉर्टेंट नोट रहेगा. ठीक है, दीज नेम्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है, वो स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नाम डाले हुए. ठीक है, कल को आप लेट से हाइड्रोजन की जगह हीलियम प्लस आयन का स्पेक्ट्रम स्टडी कर रहे होंगे. ठीक है, तो उसमें ये वेवलेंथ्स डिफरेंट आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि हीलियम प्लस में एनर्जी गैप जो रहेंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन जो डी एक्साइटेशन होंगे वो तो इसी तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर देंगे. अभी हीलियम आयन में n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 जो डीएक्साइटेशन हो रहा है, हम बोलेंगे उसको कि वो लाइमन सीरीज डीएक्साइटेशन कहलाएगा. ठीक है, तो ये जो नाम है मैंने यहां पे लिखे हैं सीरीज के, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली हाइड्रोजन एटम, दे आर समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर अदर एटम्स ऑल्सो. ठीक है, हाउएवर अभी हम लोग क्योंकि हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर नोट करना, इसमें एक एडिशनल पॉइंट मैं बता रहा हूं. फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक है, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, लाइमन सीरीज के जो रेडिएशंस रहेंगे, ठीक है, जो लाइमन सीरीज में रेडिएशंस है, ठीक है, इनका जब आप वेवलेंथ ऑब्जर्व करते हो तो वो यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है. सो लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू यूवी रीजन. बामर सीरीज के जो रेडिएशंस होते हैं, ठीक है, अब यहां पर क्योंकि एनर्जी गैप कम होता जाता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिट्स कम होता जाता है, तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ जाएगा. ठीक है, वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो यूवी से ज्यादा वेवलेंथ विजिबल रीजन का आता है. ठीक है, तो ये बामर सीरीज के जो पहले चार रहते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो फर्स्ट फोर रेडिएशंस रहते हैं बामर सीरीज, फर्स्ट फोर लाइंस, ठीक है, ये विजिबल रीजन में रहेंगे. ठीक है, वेयर एज जो बाकी की लाइंस हैं, ठीक है, वो यूवी रीजन में आएंगी. ठीक है, 5 से 2, 6 से 2, ये एनर्जी गैप फिर से बड़ा हो जाता है. ठीक है, 3 से 2 फिर भी छोटा है, विजिबल में आ रहा है, 4 से 2 भी विजिबल में आ रहा है, बट ऐसे 7 से 2, 8 से 2 ये एनर्जी गैप बढ़ जाता है, तो इसका जो आप लैम्डा कैलकुलेट करोगे तो वापस से यूवी रीजन में आ जाएगा. ठीक है, देन जो बाकी के हैं हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है, पाश्चन ब्रैकेट
हमफ्री, ठीक है, इन सब का जब आप रेडिएशन का वेवलेंथ ऑब्जर्व करते हो तो ये सब इंफ्रारेड रीजन में आते हैं, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट व्हेन यू कैलकुलेट देन यू गेट टू अंडरस्टैंड. डॉटेड वाला क्यों बनाया? डॉटेड मतलब मैंने ऐसे लास्ट लाइन बनाया हुआ है किसी भी सीरीज का, इंफिनिटी से वन. ये जो है ये एट नहीं है, ये इंफिनिटी है, ठीक है, मतलब फार फार अवे से वन पे आ रहा है. तो ये लास्ट लाइन बेसिकली मैंने ऐसे डॉटेड बना दिया, ठीक है. बीच में और भी हो सकते हैं, 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1, ठीक है. तो ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है जो आपको याद रखना है, ठीक है. अगर मैं हाइड्रोजन की जगह हीलियम प्लस लिख लूंगा तो ये वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाएंगी, ठीक है. वेवलेंथ चेंज हो सकता है, हो सकता है कि बामर भी फिर यूवी रीजन में आ जाए, ठीक है, इट इज क्वाइट पॉसिबल. अभी के लिए दिस इज हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक है. तो यहां पर इनफैक्ट अगर आप, जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको दिखाया, तो मैं इसको चलो कॉपी करके यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है. दिस इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसमें आप देख रहे हो, हाँ, हम लोग सी केविन, हम लोग अभी के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं. एंड जब मेरे को सिंगल एटम और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में और किसी का भी स्पेक्ट्रम आपको बताना होगा तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है. तो यहां पर आप ऑब्जर्व करना इसमें कैसा हो रहा है, ठीक है. ये लाइन, ठीक है, कलर एक्चुअली ये आप लोगों को यहाँ पे कलर से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. कलर तो क्या है, सिर्फ विजिबल का ही होता है, ठीक है. ये जैसे इनफैक्ट आई थिंक ये वाला डायग्राम बेटर रहेगा, दिस सीम्स टू बी बेटर. अदरवाइज आप लोग कलर से कंफ्यूज हो गए. लेट मी टेक दिस वन. ओके, जस्ट अ सेकंड. सो जैसे ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज के साथ में भी दिया हुआ है, ये यूवी रीजन में है, ठीक है. बामर सीरीज के ये वाले कुछ विजिबल रीजन में रहेंगे, ठीक है. 3 से 2 वाला जो ट्रांजिशन था, ठीक है, 3 से 2 में आ रहा है, या फिर 4 से 2 वाली लाइन ये रहेगी, 5 से 2 वाली लाइन ये रहेगी, 6 से 2, 7 से 2, ये थोड़ा सा फिर यूवी रीजन में आने लग जाती हैं, ठीक है, क्योंकि विजिबल रीजन कैसा होता है अपना, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहता है, ठीक है. फिर ये पाश्चन सीरीज ये इंफ्रारेड में चली जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आगे के भी जो सीरीज रहेंगी, ठीक है. ये आई थिंक एक बेटर डायग्राम है टू हेल्प दिस अंडरस्टैंड. ये समझ में आया आपको? अच्छा, तो ये तो हो गया थियोरिटिकल नॉलेज, ठीक है. अब इसी चीज को न्यूमेरिकली भी आपसे पूछा जाता है, समझा जाता है, डिस्कस करा जाता है, तो वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस कैसा रहेगा, ठीक है. इसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझसे. यहां तक का पार्ट सॉर्टेड है?
हाँ एक मिनट, हरी ओम। अच्छा नहीं, ऐसे ही हाथ रेज हो गया था। हाँ नहीं सम्यक, आई कैन नॉट डू दैट। एंड हाँ, वाई आर द लाइन्स गेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर? वो तो आप देखोगे ना कि हम लोगों ने एनर्जी गैप्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है? स्टार्टिंग में एनर्जी गैप ज्यादा रहता है, ठीक है? एंड एज यू मूव अवे तो एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स कम होता जाता है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वेवलेंथ समझ में आएंगी, ठीक है? अब इसमें आप ऑब्जर्व करना, हाँ क्या कह रहे हो हर्षल? लोअर एनर्जी गैप मोर विल विद द वेवलेंथ, सो इट विल कम इन द विजिबल रीजन ऑफ बामर। हाँ राइट, अभी मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कराऊंगा तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है? यहां पर अब आप ऑब्जर्व करना इस चीज का, अब हम न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेंगे, ठीक है? सो लेट मी पुट द हेडिंग है वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? यहां पर ऑब्जर्व करना दैट हम लोग वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। तो यहां से आप समझने की कोशिश करना कि बोर्स मॉडल क्यों एक्सेप्ट हुआ, ठीक है? इफ यू रिमेंबर जब मैं आपको बोर्स मॉडल पढ़ा रहा था, ठीक है, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में, हाँ इफ यू रिमेंबर जब मैंने बोर्स मॉडल आपके साथ स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था बोर्स मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एंड द पोस्टुलेट्स विच वर वैलिडेटेड बाय एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट। ये जो पोस्टुलेट्स बोर ने दिए थे, ठीक है, ये कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट से वैलिडेट हुए वो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना। तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट था वो क्या बोर्स मॉडल के पहले आ चुका था, ठीक है? एंड एक्सपेरिमेंटली उसको स्टडी कर लिया गया था, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके ये डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, ये जो भी रेडिएशंस थे इनके वेवलेंथ्स ऑब्जर्व कर लिए गए थे, ठीक है? इन सब का डेटा वाज कलेक्टेड, ठीक है? सो दिस वाज एक्सपेरिमेंटल डेटा। नाउ व्हाट बोर सेड इज दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस डेटा यूजिंग माय मॉडल। कैसे? सो थ्योरेटिकल जो स्टडी था जो कि बोर्स मॉडल से आया था, ठीक है, बोर्स मॉडल ने क्या बोला था? बोर्स ने बोला दैट ये जो भी वेवलेंथ आ रहे हैं, ठीक है, दे आर वेवलेंथ दैट आर एमिटेड बिकॉज ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ इट्स ऑर्बिट्स, ठीक है? तो कोई भी ऐसा मान लो डी एक्साइटेशन हो रहा है, ठीक है, किसी N2 से N1 डी एक्साइटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो उसमें जो फोटोन एमिट होगा, अगर आपको उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो यूजिंग माय पोस्टुलेट्स। कैसे? यूज द फॉर्मूला दैट एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एन वन एंड एन टू, ठीक है, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है?
ठीक है, अभी एक्चुअली नेगेटिव आने वाला है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेगेटिव आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड साइन लगा दे रहा हूँ पहले से, ठीक है। एंड बोर्स मॉडल ने बोला सिंस एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट आई हैव मैथमेटिकली कैलकुलेटेड दैट एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 z square by n square in the units of EV, so you can substitute it over here, ठीक है। आप hc by lambda को लिख सकते हो 12400 by lambda in angstrom, है ना, and यहाँ पर wavelength को आप लिख सकते हो 13.6 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखोगे एंड कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएंगे एंड दीज वेवलेंथ दे मैच विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। And this is where Bohr's model got its credibility from. That काफी time से ये जो spectrum है इसमें जो unique wavelengths आ रही हैं वो explain नहीं हो पा रही थी. That why we were observing particular wavelengths only. ठीक है, even the wave theory of light was not able to explain this. Bohr's model was able to explain not just qualitatively, ठीक है। Bohr's model ने क्या बोला, so पहले कैसा था एक बार दोबारा ध्यान से सुनना, ठीक है। जब wave theory of light था, ठीक है, जब wave theory of light था तब ये experiment ही explain नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से ये जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था ये कंटिन्यूअस आना चाहिए था एज पर द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम लोगों ने पढ़ा था जो रदरफोर्ड मॉडल में ड्रॉबैक बताया था दैट व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड right, it continuously loses energy in form of radiation, ठीक है, उसमें continuous word था कि continuously energy lose करेगा, तो उसकी वजह से यहां पर भी जो radiations observe होने चाहिए थे वो भी continuous ही होने चाहिए थे, ठीक है। But what we found out is that the radiations that were observed were not continuous, the spectrum that was observed here was not continuous but the spectrum was discontinuous, matlab yahan par discrete aur particular wavelength hi observe ho rahi thi, and irrespective of ki aap subah ye experiment kar rahe ho, sham ko experiment kar rahe ho, india mein kar rahe ho, us mein kar rahe ho, temperature alag alag kar lo us pe kar rahe ho, koi farak nahi pad raha tha, ye particular values of wavelength hi observe ho rahi thi for a given element like hydrogen, और कोई wavelength observe ही नहीं हो रही थी, so this became a very big question to answer, which then Bohr explained using his model of atom. Bohr said कि पहली चीज तो ये radiations discrete क्यों आ रही हैं, ठीक है, ये particular wavelengths क्यों आ रही हैं, तो Bohr ने बोला that ये wavelengths जो आ रही हैं, जो रेडिएशंस आ रही हैं, वो इस वजह से आ रही हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे ऑक्यूपाई नॉट जस्ट एनी रैंडम ऑर्बिट, ओनली पर्टिकुलर ऑर्बिट्स विच हैव पर्टिकुलर एनर्जीज, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन दोज ऑर्बिट्स द एनर्जी डिफरेंस इज ऑल्सो समथिंग विच इज पर्टिकुलर, एंड करस्पॉन्डिंग टू दोज एनर्जी डिफरेंस ओनली
the radiations are emitted. That is why you are seeing not just any random wavelengths, but particular wavelengths only. Over and above this, he said that I can also help understand the values of the wavelengths that are coming. And he presented his model of atom, and he used his mathematical calculations to calculate the wavelength of photons that should be emitted for different types of de-excitations. ये n1 n2 को वो vary करता गया, कई बार n1 को 1 डाला, n2 को 2 डाला, इसको 2 डाला, इसको 3 डाला, 1 डाला, 3 डाला, right? different values उसने explore करी, and हर एक के corresponding जो wavelength आ रहा था, that was matching with one of the experimentally observed wavelengths. And this is something which gave a lot of credibility to Bohr's model of atom. ठीक है? Otherwise कैसा था? उस time पर scientific community इतना easily accept नहीं करती थी कि आपने paper पे बोल दिया, तो हम कैसे मान लें कि fixed energy है? हम कैसे मान लें कि यही energy levels है orbits की? So all of that got experimentally verified. ये समझ में आया? Now अब notice करना दैट इसी फॉर्मूला को, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है, दिस न्यूमेरिकल फॉर्मूला इज स्लाइटली एडजस्टेड तो नहीं बोलूंगा, मतलब स्लाइटली रीरिटन. Is rewritten as follows. ठीक है, तो यहाँ पर observe करना, ये 12400 और 13.6, इन सबको, ये जो constants हैं, इन सबको एक साथ merge कर दिया और आपको मिल गया 1 by lambda. ठीक है, 1 by lambda को क्या बोलते हैं हम लोग? Wave number. So 1 by lambda और wave number is equal to RH into Z square into 1 upon n1 square minus n2 square. ठीक है, तो इसमें mu bar क्या हो गया? Mu bar will be the wave number and lambda will be the wavelength. Wavelength or wave number of what? Of photon emitted. ठीक है, photon emitted बोल सकते हो या फिर आप स्पेक्ट्रल लाइन बोल सकते हो. ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग है ये स्पेक्ट्रल लाइन? ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू डी एक्साइटेशन फ्रॉम n2 to n1. ठीक है, किसी n2 ऑर्बिट या N2 शेल से किसी N1 ऑर्बिट या N1 शेल में अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है तो इस वेवलेंथ का फोटोन एमिट या अब्सॉर्ब करेगा. ठीक है, डी एक्साइट हो रहा है तो एक्चुअली एमिट करेगा. ठीक है, एंड ये जो RH है, ठीक है, RH, इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट. ठीक है, इसका वैल्यू आपको याद रखना है, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू रहेगा 109768 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, या फिर रफली थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करोगे तो 1.1 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स. ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखना. एंड जेड इज फॉर द एटॉमिक नंबर. ठीक है, इन केस हाइड्रोजन है तो जेड वन हो जाएगा, एंड इन केस हीलियम प्लस या और कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. तो अकॉर्डिंगली आपको जेड का वैल्यू यहां पर
पुट करना रहेगा, ठीक है। नाउ अब यहां पर ऑब्जर्व करना दैट इन सम बुक्स, ठीक है, इवन इन एनसीईआरटी व्हाट हैज हैपेंड इन सम बुक्स इज कि आरएच और जेड स्क्वायर को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, आरएच एंड जेड स्क्वायर को कंबाइन करके रिडबर्ग कांस्टेंट बोल देते हैं, एंड उसकी वजह से फिर एलिमेंट टू एलिमेंट ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के लिए मान लो एक्स है, तो हीलियम के लिए 4x हो जाएगा, हीलियम आयन के लिए, लिथियम 2+ आयन के लिए यही वैल्यू 9x हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। बट मैं अभी वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर सिंपली बता रहा हूँ दैट RH, दैट रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी ये वैल्यू हमने लिख ली है, और जेड स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हो, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर जेड का वैल्यू डाल देना, ठीक है। सो दिस इज योर रिजल्ट फॉर द वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाउ अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन करस्पॉन्डिंग टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n equal to 3 to n equal to 1 in Hg plus ion, तो आप कैसे निकालोगे? आपके पास मल्टीपल वेज है, ठीक है। एक तो आप बोल सकते हो कि ठीक है मुझे रिडबर्ग वाला फॉर्मूला नहीं याद करना, ठीक है, मेरे को तो पुराना वाला तरीका मुझे पता है, दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है, इसको मैं 1,2,4,00 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम लिख दूंगा, एंड ये डेल्टा ई कितना आ जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू एन 1/n², तो इसमें 1/1² माइनस 1/3², ठीक है, ये मेरा ई बी में आ जाएगा, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन, 1/3² 1/1² माइनस 1/3² मैं कर दूंगा, ठीक है, एंड इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां से मेरा लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करो क्विकली, देखो क्या आंसर आ रहा है, 13.6 इंटू 4 इंटू 8/9, ये 48.35 का एनर्जी गैप आ रहा है, सो ये करीब करीब 256 एंगस्ट्रॉम आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 256 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप लोग रिडबर्ग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो हमने भी ऊपर लिखा, दैट 1/λ इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n², ठीक है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 1.1 × 10⁻¹ मीटर इनवर्स, जेड की वैल्यू 2 हो जाएगी, हीलियम है। अब आप n1 n2 में कंफ्यूज हो जाओ कई बार कि मैं n1 किसको डालूं n2 किसको डालूं, तो द थिंग इज कि आंसर पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, तो n1 छोटा लेना और n2 बड़ा लेना, ठीक है। 1/1² माइनस 1/3² करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना, 1/3² माइनस 1/1² कर दोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आप ही सब्स्टिट्यूट करो और इससे आंसर मीटर में आएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना जरा एक बार, इस फॉर्मूला से भी आसपास ही आएगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज ली हैं।
है, एंड इससे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है ये, 1.1 255 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, मीटर में आप करोगे, मीटर को फिर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना, तो लगभग 255 आ रहा है, तो विच इज रफली द सेम थिंग होगी। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो गोइंग फॉरवर्ड टू गेट योर आंसर। ये समझ में आया? अच्छा, अब नोटिस करना कि इतने सिंपल क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे नहीं आपसे। ठीक है, मतलब कि सीधे सीधे फॉर्मूला में प्लग इन प्लग कर दो। अब इसमें जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में, ठीक है, बोर्स एटम के लिए कुछ कुछ स्पेशल टर्म्स बताए थे, ठीक है, जैसे आपको लास्ट क्लास में याद हो, जब हमने लास्ट क्लास में ऐसे सम स्पेशल टर्म सीखे थे, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, राइट। आप लोगों ने होमवर्क करा होगा तो डेफिनेटली आपको ये सब टर्म्स क्वेश्चंस में दिखे होंगे, एंड अनटिल एंड अनलेस आपको ये टर्म्स का मीनिंग नहीं पता है, आप अटक जाओगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप लोग जब होमवर्क सॉल्व करोगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो उसमें आपको दिखेंगे कि कुछ कुछ टर्म्स यूज करे जा रहे हैं क्वेश्चंस में, एंड ओनली व्हेन यू नो दोज टर्म्स यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इजी रहेगा, बट वो टर्म पता होना चाहिए। अगर वो टर्म ही नहीं पता है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर नोटिस करना, लेट मी पुट द हेडिंग, सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज फॉर स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये टर्म्स क्या रहेंगी एक एक करके मैं आपको बताता हूं। पहली टर्म ऑब्जर्व करना, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज, तो इसको कैसे हम लोग रीड करेंगे यहां पर ऑब्जर्व करना, तो इसमें देखना, लाइन विथ मिनिमम लैम्डा, ठीक है, और यू कैन से मैक्सिमम एनर्जी गैप ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज। दिस इज इट्स डेफिनेशन, दैट लाइन विद द मिनिमम वेवलेंथ इज कॉल्ड एज द शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर अब आपको लाइमन सीरीज पता है, लाइमन सीरीज क्या होती है। ठीक है, लाइमन सीरीज मतलब ऑल डी एक्साइटेशन हैपनिंग टू एन इक्वल टू वन। ठीक है, तो अब इनमें से शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होगी। बताओ, आपको एनर्जी गैप्स का आइडिया है, एनर्जी गैप्स बिटवीन द
ऑर्बिट्स कैसे रहते हैं, ये -13.6 ev रहेगा, ये -3.4 ev रहेगा, ये -1.51 ev रहेगा। अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये -0.85 ev रहेगा। सो हर्ष का आंसर गलत है, हर्षल का आंसर सही है, साकेत का आंसर भी सही है। तो यहां पर देखो ना, मैंने किसके बारे में बात करा, शॉर्टेस्ट लाइन मतलब मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम एनर्जी गैप। मैक्सिमम एनर्जी गैप किसका आ रहा है, इसका आ रहा है ना, मैक्सिमम एनर्जी गैप 13.6। ठीक है, जो 2 to 1 है उसका तो एनर्जी गैप कम रहेगा इनफैक्ट। समझ में आया, जो 2 to 1 है उसका तो एनर्जी गैप कम रहेगा ना, वो तो कितना रहेगा, सिर्फ 10.2 ev का रहेगा। उससे ज्यादा एनर्जी तो 3 to 1 की हो जाएगी, उससे ज्यादा एनर्जी 4 to 1 की हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि जब आप डायग्राम देखते हो तो आपको लगता है अरे ये तो सबसे लंबी लाइन है, मतलब वो डायग्राम लेकिन वेवलेंथ का नहीं है, वो डायग्राम एनर्जी गैप का है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना इसी तरीके से, अगर मैं आपसे पूछूंगा शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, तो इसका मतलब कौन सा ट्रांजिशन होगा। जैसे लाइमन सीरीज में हम लोगों ने समझ लिया दैट ये n इक्वल टू इंफिनिटी टू n इक्वल टू 1 वाला रहेगा, वैसे ही पाश्चन सीरीज का अगर मैंने आपसे शॉर्टेस्ट लाइन पूछा तो ये कौन सा ट्रांजिशन होगा, n इक्वल टू इंफिनिटी टू n इक्वल टू 3। हाँ राइट, इंफिनिटी से 3 वाला। ओके, तो आपको शॉर्टेस्ट लाइन टर्म समझ में आ गया है। ठीक है, इसी तरीके से यू विल हैव लॉन्गेस्ट लाइन का टर्म। ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, तो यू कैन गेस कि इसका डेफिनेशन क्या होगा नाउ। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा लाइन विद मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम एनर्जी गैप, लाइन विद मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम एनर्जी गैप ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज। ठीक है, तो यहां पर अब आप लोग वापस से मुझे आंसर करने की कोशिश करना, इफ आई आस्क यू। ठीक है, जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, ये किस डी एक्साइटेशन को करस्पॉन्ड करेगा, राइट? तो अब आप बता सकते हो किस किस का आंसर आया। हाँ, सर्वेश, ईशान, गौतम, मृगांग, नमन, साकेत, हाँ राइट, दृष्टि, हरिओम, गुड। ठीक है, आप लोगों का करेक्ट आंसर आया दैट दिस टाइम इट विल बी n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। ठीक है, बिकॉज दिस विल करस्पॉन्ड टू द लीस्ट एनर्जी गैप अमंगस्ट ऑल द लाइमन सीरीज रेडिएशंस दैट आर देयर। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ?
अच्छा इसी तरीके से दो और टर्म्स रहेंगे यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये थोड़े इंट्यूटिव है, ये थोड़े आसान है, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज विल बी इट्स लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब इसी तरीके से नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा थर्ड लाइन ऑफ नाइमन सीरीज क्या होगा, ठीक है। इफ आई आस्क यू दिस, थर्ड लाइन ऑफ नाइमन सीरीज करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, डी एक्साइटेशन, तो आप बोलोगे कि ठीक है ये लाइमन सीरीज के डी एक्साइटेशन है और इसमें काउंटिंग शुरू कर दो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसमें अगर आप काउंटिंग शुरू कर दोगे लेफ्ट टू राइट, तो इसमें आपको दिखने लग जाएगा दैट दिस विल बी द फर्स्ट लाइन, दिस विल बी द सेकेंड लाइन एंड दिस विल बी द थर्ड लाइन, राइट। सो आर आंसर फॉर थर्ड लाइन करस्पॉन्ड्स टू द डी एक्साइटेशन हैपनिंग फ्रॉम एन इक्वल टू फोर टू एन इक्वल टू वन, ठीक है। सबसे पहले करेक्ट आंसर आया ईशान का, राइट, ईशान साकेत करेक्ट है। नमन हर्षल आपका गलत हो गया, गौतम आपका भी सही है, ठीक है। तो थर्ड लाइन इज नॉट थ्री टू वन, थर्ड लाइन इज फोर टू वन, ठीक है। इट इज अ काउंटिंग में थर्ड लाइन, अभी समझ में आया नमन? ठीक है। सो इसी तरीके से एक और बस लास्ट लाइन बोलते हैं यहां पर, ठीक है, लास्ट लाइन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरीज लिमिट, ठीक है। इसका एक और स्पेशल नाम दिया जाता है सीरीज लिमिट, ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज क्या हो जाएगा ये, इट विल बी द शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। डेफिनेशन वाइज आप ऐसे बोल सकते हो दैट इट इज द शॉर्टेस्ट लाइन, मतलब सबसे एंड वाला लाइन, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू सीरीज लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, विच ट्रांजिशन एम आई टॉकिंग अबाउट, n equal to infinity से n equal to 4, ठीक है। ब्रैकेट हो गया ना, लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट, तो फोर्थ डी एक्साइटेशन, मतलब फोर्थ लेवल पे जो डी एक्साइटेशन हो रहा है और उसमें जो लास्ट लाइन है, नमन आपने मुझे बता दिया जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज हो गया, 5 टू 4 तो फर्स्ट लाइन हो गया, ये तो मैं लास्ट लाइन पूछ रहा हूँ सीरीज लिमिट, समझ में आया, मतलब ये ब्रैकेट सीरीज ये हो जाएगा ना, ठीक है। ये मान लो n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, इस तरीके से। तो ब्रैकेट क्या हो गए, जो डी एक्साइटेशंस n इक्वल टू 4 पे हो रहे हैं, ये ब्रैकेट सीरीज के होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो इसका लास्ट डी एक्साइटेशन होगा वो इन्फिनिटी से 4 आ रहा होगा ना, so this is what would be the series limit of bracket series, ठीक है। so starting में थोड़ा सा गड़बड़ होता ही होता है, it is absolutely fine, ठीक है। तो हर्षल सो देखो ना, वही तो मैंने बताया, shortest line जो है वो दिखने में shortest नहीं है, शॉर्टेस्ट लाइन
इज दिस वन जिसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, एनर्जी गैप मैक्सिमम है, ठीक है. डेफिनेशन वाइज बता रहा हूं मैं, दैट फर्स्ट लाइन लॉन्गेस्ट लाइन बोलते हैं, जो लास्ट लाइन होगा वो शॉर्टेस्ट लाइन होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इट. हाँ हाँ कंफ्यूजिंग है ये, दिस इज एब्सोल्युटली कंफ्यूजिंग. वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको ये कंफ्यूजन होगा, जब तक आप 10-12 प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व नहीं कर लोगे इसको, ठीक है, तब तक. ये कंफ्यूजन जाएगा नहीं, ठीक है. अच्छा, जैसे महिमा का डाउट है, महिमा इज आस्किंग सर लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द इंटायर स्पेक्ट्रम, ठीक है. तो यहां पर नोटिस करना महिमा, हम लोग ये सारी जो टर्म्स है ये किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए डिफाइन करेंगे. जैसे मैंने आपको यहाँ पे सब टर्म्स लिखा है ना, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज, लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ अ स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है. तो ये सब मैं पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है. ये मैं आपको ओवरऑल स्पेक्ट्रम के लिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ओवरऑल स्पेक्ट्रम का फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन या ओवरऑल स्पेक्ट्रम का लॉन्गेस्ट लाइन शॉर्टेस्ट लाइन, वो डिफाइन नहीं करेंगे उसके लिए, ठीक है. तो अब नोटिस करना इन टर्म्स को यूज करके कैसे न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे, ठीक है. अब ये टर्म्स आपने समझ लिए, ठीक है. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, ठीक है. लेट मी टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम बुकलेट ओनली. पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करता है. ठीक है. सो लेट्स से दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन पॉप्स इन फ्रंट ऑफ यू. आंसर दो. R stands for Rydberg constant. हाँ, बट उसका वेवलेंथ निकालो ना गौतम. वो तो आपने ट्रांजिशन बता दिया कि ये कौन सा ट्रांजिशन है, उसके बाद तो वो पहला टास्क है. सो वंस यू रीड दिस, तो ये आप शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, ठीक है, शॉर्टेस्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज. तो पाश्चन सीरीज तो पहले आपने रिकग्नाइज किया कि जहां से भी आ रहा है n इक्वल टू 3 पे आएगा, ठीक है. अब शॉर्टेस्ट लाइन मतलब कौन सा हो जाएगा, द वन विद द मैक्सिमम एनर्जी गैप. तो मैक्सिमम एनर्जी गैप किसके करस्पॉन्डिंग होगा, n इंफिनिटी टू n 3, ठीक है. थोड़ा टाइम लगता है इसको कनेक्ट करने में, बट दिस इज वॉट यू शुड आइडेंटिफाई एज द फर्स्ट स्टेप कि ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है. नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आर, जेड का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा क्योंकि लिथियम आयन है, ठीक है, लिथियम 2 प्लस आयन है. एंड एन वन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होके लैम्डा आपका आ जाएगा 1 अपॉन आर. तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है. 1 बाय इन्फिनिटी को 0 पुट कर देंगे, ठीक है. समझ में आया बाकी सबको, ठीक है. जैसे इसने भी ए ऑप्शन या डी ऑप्शन आंसर दिया है, आप लोगों को आपका केयरलेस मिस्टेक समझ में आया क्या हुआ था.
ठीक है, तो अब इसी में थोड़ा सा और एक दो एग्जांपल कराता हूँ मैं, ठीक है? जैसे चलो ये वाला करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ट्राई करो। कुछ पूछना है सर्वेश? तुमने हैंड रेज किया है, चला अनम्यूट। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में 1/∞ स्क्वायर -1/3 स्क्वायर आएगा ना? नहीं, नेगेटिव हो जाएगा ना फिर वो। हाँ देखो ये N2 है, ये N1 है। N2 से N1 डी एक्साइटेशन के लिए फॉर्मूला है ना ये। वन बाय इंफिनिटी 0 होता है ना, वन बाय इंफिनिटी को मैं 0 पुट कर रहा हूं यहां पर ऊपर, दैट इज इट, इसको मैंने 0 बोल दिया। नहीं प्रशस्त, आपका आंसर सही नहीं है। हाँ राज का आंसर करेक्ट है, दीप नहीं, केविन का। हाँ केविन का भी सही है। बाकी लोग भी ट्राई करो, टाइम लो अपना, ठीक है? ट्राई करो। नहीं ईशान आपका करेक्ट नहीं है, मतलब ईशान जैन का नहीं, ईशान जैन का भी सही नहीं है, दोनों ईशान का ही गलत। नमन हाँ सही है, हृदय नहीं, गड़बड़ है। हाँ गौतम सही है तुम्हारा, नहीं तन्मय गड़बड़, आकाश गड़बड़। हाँ अमान का सही है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग अप्रोच भी है एक शॉर्ट अप्रोच भी है, दोनों तरीके समझ लेना। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया दैट फाइंड आउट द ट्रांजिशन, सो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो गया?
एन इक्वल टू 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 एन इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वन बाय लैम्डा वन इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर, ठीक है। देन सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, दिस करस्पॉन्ड्स टू एन इक्वल टू थ्री टू एन इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहां पर आई विल राइट वन अपॉन लैम्डा टू एज आर जेड स्क्वायर वन अपॉन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर एंड डू द कैलकुलेशन, ठीक है। देन थर्ड लाइन ऑफ थर्ड लाइन में सॉरी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज बोला है, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा एन इक्वल टू थ्री से एन इक्वल टू टू, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना ये सबसे इंपॉर्टेंट कैच है आपके लिए, आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे फिर तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना तो आसान ही है ना। तो वन अपॉन लैम्डा थ्री विल बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे और आपको डेटा मिल जाएगा और फिर आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू फोर बाय थ्री आर, ये आ जाएगा नाइन बाय एट आर और ये आ जाएगा थर्टी सिक्स बाय फाइव आर, ठीक है। अब जब इनको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, फिर आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया लॉन्गर अप्रोच, ठीक है। शॉर्टर अप्रोच ऑब्जर्व करना है यहां पर, शॉर्टर अप्रोच कैसा है, ये n इक्वल टू वन है, ये n इक्वल टू टू है और ये n इक्वल टू थ्री ऑर्बिट है। अब जो फर्स्ट लाइन लाइमन सीरीज की है वो ये है, ठीक है, दिस इज लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग, देन सेकेंड लाइन दिस इज लैम्डा टू के करस्पॉन्डिंग एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज दिस इज लैम्डा थ्री के करस्पॉन्डिंग। तो क्या आपको दिख रहा है कि एनर्जी गैप ऑफ टू टू वन प्लस एनर्जी गैप थ्री टू टू विल बी एनर्जी गैप थ्री टू वन, है ना, ये तो दिख ही रहा है सामने सामने। तो टू टू वन वाली लाइन कौन सी थी, लैम्डा वन, तो एच सी बाय लैम्डा वन। थ्री टू टू क्या है, एच सी बाय लैम्डा थ्री एंड थ्री टू वन क्या है, एच सी बाय लैम्डा टू, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे आंसर आ गया लैम्डा टू इज इक्वल टू लैम्डा वन लैम्डा थ्री अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा थ्री एंड यू कैन हैव बी ऑप्शन एज योर आंसर, ठीक है। दोनों तरीके ऑब्जर्व कर लो। डेफिनेटली सेकेंड वाला अगर आपको स्ट्राइक हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट मीन्स देन योर ability to catch information is quite good, ठीक है। अदरवाइज ये सेकेंड वाला जो तरीका है ये इतना जल्दी स्ट्राइक नहीं होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। दिस इज समथिंग विच कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले मेथड के थ्रू ही वर्क करने की कोशिश करते हैं। नहीं अब जेड वन भी अज्यूम मत करो ना, चलेगा हर्षल, मतलब यहां पर इसको z स्क्वायर भी रख दो, ठीक है। z1 मत अज्यूम करो, मैंने एक्चुअली z1 अज्यूम कर लिया बट मत अज्यूम करो, लेट दैट z बी देयर ओनली इन द फॉर्मूला इटसेल्फ, यू विल स्टिल गेट द सेम आंसर, वो z कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड जो था वो फास्टर इसलिए हुआ बिकॉज
मैंने क्विकली ये ऑब्जर्व करा कि ये कौन से ट्रांजिशन है. तो ये लैम्डा वन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दे रखा है, एंड लैम्डा टू सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दे रखा है, एंड लैम्डा थ्री फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज दे रखा है. तो मैंने क्विकली उनको प्लॉट कर लिया. एंड यहाँ पर ये एनर्जी गैप्स के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे पता है 2 से 1 का एनर्जी गैप और 3 से 1 का 3 से 2 का एनर्जी गैप मैं ऐड करूंगा तो वो 3 से 1 का एनर्जी गैप देगा ना. ये समझ में आई लाइन? ये मतलब यहाँ जूम कर देता हूँ मैं. ठीक है, और उस एनर्जी गैप को मैंने एच सी बाय लैम्डा लिख लिया. That's it. तो इससे मेरा आंसर फास्टर आ गया. ठीक है, ऑल राइट. सो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे पर एक ब्रेक के बाद. ठीक है, कंटिन्यूसली वी हैव बीन सिटिंग फॉर 1.5 आवर, सो लेट्स टेक अ क्विक 10 मिनट्स ब्रेक. सो वी विल रिज्यूम एट, कितना हो गया अभी, 12:40 पे रिज्यूम करता है. ठीक है, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे. मैं थोड़ा सा और इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बताऊंगा और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें रहेंगे. ठीक है, अच्छा मैसेज आ गया क्या ZTM सर का? 2:30 पे कंडक्ट कर रहे हैं. ओहो, अच्छा तो फिर ऐसा करता हूं दैट इंस्टेड ऑफ पोस्ट 1:30 मैं अराउंड 1:10 के अराउंड ही आपका एक मोल कंसेप्ट का डिस्कशन कर लेता हूँ. ठीक है, विद इन द क्लास एट 1:00. ठीक है, जो डाउट्स है वो आप इकट्ठे कर लो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं.
All right. I think. पहुंच गया है 12:41 ग्रेट ठीक है सो रिज्यूमिंग आवर डिस्कशन हम लोगों ने स्पेक्ट्रल सीरीज एंड उसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स एंड उनके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं ठीक है नाउ When you look at the homework, मैं आपको थोड़े बहुत questions और practice करने के लिए दूंगा you will realize that questions simple ही रहेंगे just the catch would be to be able to identify which transition is being spoken about. ठीक है तो वो आप appropriately identify कर लोगे और formula put कर दोगे So it will itself become an easier question. ठीक है Now एक और concept मैं समझा देता हूँ ठीक है before we take out time for mole concept के doubts का discussion. ठीक है observe करना Let me put this heading as maximum spectral lines or maximum unique photons corresponding to a de-excitation. ठीक है नाउ यहां पर आप ऑब्जर्व करना पहले मैं आप ही को टास्क देता हूं टू डू द काउंटिंग ठीक है जस्ट क्रूड काउंटिंग करना n इक्वल टू 1 से और इनफैक्ट n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन को डीएक्साइट होना है ठीक है नाउ इट कैन डीएक्साइट इन मल्टीपल वेज सो विच आर दोज वेज एंड उससे कितने मैक्सिमम यूनिक फोटॉन्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये चीज का कैलकुलेशन एक बार करके मुझे बताओ ठीक है नहीं साकेत आपका आंसर गलत है बाकी लोग भी ट्राई करो नहीं किस किस का आया हृदय नहीं गौतम का भी नहीं है प्रशस्त का सही है कृष का नहीं है विवेक का करेक्ट है साकेत हर्षल हृदय ईशान इनकरेक्ट हाँ साकेत ने आप करेक्ट किया मृगांक ने सही दिया है गौतम का गलत है हाँ हाँ सो यू हैव अ सैंपल ऑफ एटम्स ठीक है एंड इन विच Some atoms can de-excite in some manner, some atoms can de-excite in some other manner. ठीक है यहाँ पर आप observe करना किस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे
So correct answer would be 6. कैसे अब यहां पर आप ऑब्जर्व करना, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 डायरेक्टली भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, दिस इज वन वे, और द डी एक्साइटेशन कैन हैपन फ्रॉम 4 टू 2 एंड देन 2 टू 1, और 4 टू 3 then 3 to 1 or 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1. These are the possible ways in which the de-excitation can occur. Check it. Now, if these are the ways in which de-excitation can occur, then how do we count the unique number of photons? ठीक है, यहां पर आप ऑब्जर्व करना, काउंटिंग ऑफ यूनिक नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसा रहेगा. सो इफ आई गिव द नेम्स टू दीज फोटॉन्स, आई कॉल इट ए बिकॉज इट करस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक एनर्जी गैप 4 to 1. Then I will have to call this one B and this one C because they both correspond to unique energy gap 4 to 2 and 2 to 1. So, inka wavelength alag aayega. Then isko main C bol deta hu because ye bhi A B C se to match nahi kar raha hai. Theek hai, C nahi, sorry, D bolta hu isko main. Kisse match nahi kar raha hai, iska bhi ek unique energy gap rahega. Fir aise hi 3 se 1, iska bhi energy gap unique hai. It is not matching with A B C D. इसका भी वेवलेंथ अलग रहेगा, बट यहां पर दिस वन इज डी अगेन क्योंकि ये मैंने देख लिया है पहले 4 से 3, तो ये तो सेम ही वेवलेंथ हो गई. ठीक है, यूनिक फोटोन नहीं है ये, इट हैज बीन, इट इज अ रेपिटेशन. 3 से 2, हाँ ये अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ था तो इसको मेरे को नया नाम देना पड़ेगा, से एफ. बट देन 2 से 1 ये रिपीट हो गया, सी वाले से सेम हो गया. तो यहां पर पोस्ट दिस क्रूड काउंटिंग कैन यू सी दैट देयर आर मैक्सिमम 6 यूनिक फोटॉन्स दैट विल बी एमिटेड, और वी कॉल इट एज मैक्सिमम 6 स्पेक्ट्रल लाइंस कैन बी सीन. ठीक है, now with this in mind ab aap observe karo agar ye generalized formula banana hoga. theek hai, okay, now unka doubt hai why can't it be infinity. infinity is when I would ask you how many photons. I am not asking how many photons, I am asking unique photons type that I am asking. spectral line jo hogi wo kitni maximum observe hogi. theek hai, number of photons ka count nahi puch raha hu main. naman abhi samajh mein aaya? Now observe करना यहां पर. ठीक है, if I was to generalize this, ठीक है, हा, so thus if we have ठीक है a sample of एटम्स, ठीक है, मतलब काफी सारे एटम्स हैं, सच दैट ऑल दीज डी एक्साइटेशंस आर पॉसिबल. ठीक है, देन
a formula for maximum spectral lines or maximum unique photons for a de-excitation between N2 and N1 is, ठीक है, फॉर्मूला नोटिस करना, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन अपॉन टू. वेर डेल्टा एन इज इक्वल टू N2 माइनस N1. ठीक है, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर एनी डी एक्साइटेशन बिटवीन N2 एंड N1. ठीक है, नाउ अब आप ऑब्जर्व करना इसी फॉर्मूला को स्लाइटली हम लोग मॉडिफाई कर देंगे. ठीक है, इन केस देयर इज जस्ट वन एटम, ठीक है, देयर इज एन आइसोलेटेड एटम. अगर एक सिंगल एटम रहेगा तो फिर ये सारे पॉसिबल डी एक्साइटेशन नहीं शो कर पाएगा ना, तो फिर इनमें से या तो ये इस तरीके से डी एक्साइट होगा, ठीक है, या फिर ये सेकंड वाले तरीके से, या थर्ड वाले तरीके से, या फोर्थ वाले तरीके से. ठीक है, बिकॉज एक ही एटम है. अभी यहां पर तो क्या है, आई हैड अ सैंपल ऑफ एटम्स, तो कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, राइट. सो ऑल दीज पॉसिबल फोटॉन्स वर एमिटेड and we did a counting of how many unique photons were there. ठीक है, ये समझ में आया? So now if इसके नीचे अगर मैं नोट करके लिख देता हूँ, if there is just one isolated atom, ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो आपको हमेशा सैंपल ऑफ एटम ही लेना है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला ही जाएगा तो, बट अगर क्वेश्चन में बोल देते हैं, ठीक है, अलग से स्पेसिफाई कर देते हैं, तो आप आइसोलेटेड एटम का केस लेना. इफ देर इज जस्ट वन आइसोलेटेड एटम, then max spectral lines can be, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, can be है, not must be, ऐसा जरूरी नहीं है. maximum spectral lines can be delta n और basically n2 minus n1. कब होगा वो? जब ऐसे step by step डी एक्साइटेशन हो रहा होगा. ठीक है, अदरवाइज यहां पर तो एक ही फोटोन मिल रहा है, यहां पर दो फोटोन, यहां पर दो फोटोन, और यहां पर तीन फोटॉन्स मिलेंगे. तो इफ वी हैव जस्ट वन एटम, देन वी वुड चूज टू से दैट दिस इज द ट्रांजिशन दैट कैन गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिक फोटॉन्स. ठीक है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. ठीक है, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी असाइंड कि ऐसे ही डी एक्साइटेशन होगा या ऐसे ही होगा, इसका चांस ज्यादा है, उसका चांस कम है, दैट इज नॉट द केस. ठीक है, ऑल दीज डी एक्साइटेशन आर रैंडम. ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो. ठीक है, लेट्स से
You have this question in front of you. ये वाला ठीक क्वेश्चन है, ये ट्राई करो. नमन, यहाँ पर सबशेल्स का कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है ना आपको, तो यू डोंट गेट इनटू दैट. अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, पहले तो इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा n1 n2 क्या है, ठीक है, ताकि आप डेल्टा n निकाल पाओ. तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बोली जा रही हैं. तो 15 इज इक्वल टू डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1 अपॉन 2. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा n कितना आ जाएगा, you will find delta n to be equal to 5. ठीक है. Now ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से, n equal to 1 से आपने किसी हायर स्टेट पे एक्साइट करा है. तो डेल्टा n क्या होता है, n2 minus n1, राइट. तो यहाँ पर ये n1 क्या हो गया, आपका ग्राउंड स्टेट. तो इससे आपको समझ में आ गया that n2 is 6th ऑर्बिट. ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट यहां पे बोला जा रहा है ना, ग्राउंड स्टेट से आपने इसको एक्साइट करा है.
तो ये n इक्वल टू 6 पे जब जाएगा तो डी एक्साइड करते हुए 15 लाइंस ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। नाउ ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब आपको पूछा जा रहा है कि कितना वेवलेंथ का फोटोन लगेगा, तो वो आपके ऊपर है, आप किस भी तरीके से कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज द रिडबर्ग वाला फॉर्मूला और यू कैन यूज द बोर्स मॉडल वाला फॉर्मूला, दैट 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, राइट, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा ई इन द यूनिट्स ऑफ ईवी, विच कैन बी रिटन एज 13.6 इंटू, अब ये हाइड्रोजन आइटम ही है तो z का वैल्यू 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी इन द यूनिट्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 12400 इंटू 36 डिवाइड बाय 35 डिवाइड बाय 13.6 937.8, यानी कि आपका ये ए ऑप्शन आंसर बैठ रहा है, ठीक है। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ, दोबारा समझना क्या किया है एग्जैक्टली, ठीक है, एंड कुछ डाउट है तो पूछना। ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको दूं अगर मैं इसके ऊपर, FBS में से देख लेता है तो मिलता है तो, वापस से सेम ही हो गया। लेट्स सी यहाँ पर अगर कहीं मिलेगा तो, चलो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये वाला ट्राई कर लो। आया आंसर, सिंपल सा ही है, राइट, मोस्ट ऑफ यू गॉट द आंसर सी ऑप्शन, राइट, बिकॉज यहां पर n इक्वल टू 5 से कहां पर डी एक्साइट होके जा सकता है, ग्राउंड स्टेट, राइट। सो इसमें अब आपका आंसर आ जाएगा द डेल्टा n इज इक्वल टू 4, ठीक है,
मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस दैट यू कैन ऑब्जर्व इज इक्वल टू डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस वन अपॉन टू दैट इज 10। ठीक है, तो सिंपल हो गया। इस पर थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, एज पार्ट ऑफ होमवर्क भी मिल जाएंगे आपको एंड अलग से भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा हाँ, मतलब अच्छा ठीक है, मे अपियर, हाँ 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 ठीक है, मे अपियर मोर देन वन चॉइस है तो ए बी सी मे अपियर के बारे में बोला जा रहा है, ये मैक्सिमम 10 हो सकती है। हाँ राइट, ठीक है, द नंबर ऑफ लाइन्स दैट मे अपियर इन द एमिशन स्पेक्ट्रम विल बी, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और ट्रिक लगा देता, ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक और छोटा सा एक ट्रिक लगा देता, जस्ट अ सेकंड, मैं अगर इसमें पूछता था मैक्सिमम लाइंस इन द विजिबल रीजन, ठीक है, इन द अबव एग्जांपल मैक्सिमम लाइंस इन बामर सीरीज विल बी और कैन बी, मैक्सिमम लाइंस इन बामर सीरीज कैन बी, तो क्या आंसर रहता आपका? So, इसमें हाँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिए हैं, कुछ ने सही आंसर दिए हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करना, इसमें जिनका गलत आंसर आ रहा होगा तो उन्होंने n2 को 5 एंड n1 को 2 और इसके हिसाब से आंसर इक्वल टू 6 दे दिया होगा जो कि गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बामर सीरीज की लाइंस के अलावा और भी सीरीज की लाइंस आ गई ना, आप यहां पर देखो ना 1 2 3 4 5, सो बामर सीरीज की क्या क्या पॉसिबल है, 5 से 2 4 से 2 एंड 3 से 2, यही पॉसिबल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें मतलब कॉमन सेंस काउंटिंग यही सब लगेगी, ये थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दूंगा मैं तो आंसर चेंज रहेंगे। 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑल राइट, समझ में आया आपको वाला? ठीक है, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लगाना था। ऑल राइट, ठीक है, नाउ लेट्स क्लोज द डिस्कशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड मोल कंसेप्ट के आपके जो डाउट्स हैं वो आप मुझे बताओ, वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड मैं होमवर्क आपको दे दूंगा तो आप लोग ट्राई करना एंड इन द मीन टाइम टुमारोज क्लास में, ठीक है, हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे
and that will be an interesting lecture in the next class. We'll talk about de Broglie's hypothesis and Heisenberg's uncertainty principle. दोनों काफी अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, सो नेक्स्ट क्लास में उनको कवर करते हैं. ठीक है, जिन लोगों को डाउट नहीं है, दे कैन एक्चुअली एग्जिट, नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, श्रोडिंगर मॉडल उसके बाद में स्टार्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट वीक में वी विल बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ श्रोडिंगर मॉडल. अभी के लिए फोकस प्राइमरीली ऑन this particular section. कुछ डाउट्स भेजे हैं किसने. हाँ हर्षल, कुछ कहना चाह रहे हो तुम? यस सर. सर मुझे बस वो पूछना था कि वो आइसोलेटेड आइटम को मुझे समझ में नहीं आया, लाइक हाउ विल बी इट थ्री ऊपर जो किया था. So, okay, isolated atom ke case mein, what we are saying is that out of these possibilities, only one way can be there in which the atom de-excites. Kyunki ek hi atom hai. Yes, sir. Agar maan lo pehle tarike se de-excite hota hai, to ek hi photon niklega. Dusre tarike se de-excite hota hai, to do. Phir teesre tarike se de-excite hoga, to bhi do. And jo last wala tarika hoga, jisme step by step hum ja rahe honge, to usme maximum photons निकलेंगे ना. ओके सर, वैसे दैट वे सर. एंड वन मोर थिंग सर, दैट रिजबर्ग का जो इक्वेशन लिया था, दैट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रिजबर्ग कांस्टेंट इनटू एटम मास पर, लाइक उसका डेरिवेशन नहीं किया है ना, लाइक उसका डेरिवेशन जो है ना, दैट इज समथिंग व्हिच वाज डन एज अ एनालिसिस ऑफ द डेटा ऑफ वेवलेंथ्स. ठीक है, तो बोर्स मॉडल के पहले रिटबर्ग एज अ साइंटिस्ट ने ये वेवलेंथ्स को एनालाइज करा. ओके सर. ठीक है, एंड उसका फिर उसने बोला कि आई कैन फाइंड अ पैटर्न, एंड दैट पैटर्न इज दैट एवरी वैल्यू दैट आई एम ऑब्जर्विंग इज प्रोपोर्शनल टू सम वन अपॉन इंटीजर का स्क्वायर माइनस सम अदर इंटीजर का स्क्वायर. ये पैटर्न उसने ऑब्जर्व किया था, एंड उसके ऊपर he presented a formula. Okay. ठीक है, यहाँ पर मैंने उस तरीके से नहीं बताया, यहाँ पर मैंने बोला कि आप लोग बोर्स मॉडल से ही उसको डिराइव कर सकते हो. Okay sir. Okay, thank you sir. ठीक है. ये वाला सर्वेश समझ में आया है, लास्ट वाला? इसमें कहाँ अटक गए तुम? मैंने इतना पूछा ना कि 5 से 1 डी एक्साइटेशन हो रहा है. ठीक है, अब उसमें कितनी बामर सीरीज की है, बस वो आप निकाल लो. यहाँ पर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, ये अगर आपने फॉर्मूला लगाया, तो इसमें आप क्या क्या काउंट कर लोगे? जो ये 6 वाला 2 3 4 5, इसमें आप ये भी काउंट कर लोगे. ठीक है, ये भी काउंट कर लोगे, ये भी काउंट कर लोगे. ठीक है, इसमें आप यूनिक काउंट कर लोगे, बट इट में अब इसमें सब थोड़ा ना बामर सीरीज में, ये थोड़ा बामर सीरीज में है. समझ में आया? ठीक है, हाँ. सो अच्छा, किस किस ने मुझे डाउट्स भेजे? मुझे एक हर्ष ने डाउट भेजे है, get equipped to advanced section mole concept ke 19 20 and 28. Theek hai, mole concept chapter ka get equipped to advanced. ये रहा, सी ये तो मेन है, सॉरी. चलो ये 19 वाला बता देता हूँ मैं.
चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे। उसमें आप ऑब्जर्व करना। अब इसमें BaCl2 का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है एंड इतना सॉलिड ये है प्योर सॉलिड। तो पूछा जा रहा है कि मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट पर ml, ठीक है। सो पर ml कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना BaCl2 का मोलारिटी 0.65 मोलर दिया हुआ है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ml और यू कैन से 1/1000 लीटर है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज BaCl2 के मोल्स कितने होंगे, 0.65 × 1/1000, ठीक है। अब BaCl2 आ कहां से रहा है, BaCl2 आ BaCl2.2H2O से रहा है। तो BaCl2.2H2O में जितने मोल्स है उतने BaCl2 के मोल्स होंगे, तो BaCl2 के मोल्स भी सेम रहेंगे 0.65/1000, ठीक है। अब इनका मास निकाल लो, मास कितना हो जाएगा 0.65/1000 × BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट। BaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 137 + 71, एंड BaCl2.2H2O का मास निकालोगे तो वो क्या रहेगा, 0.65/1000 × 137 + 71 + 36, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये आ जाएगा। तो नाउ यू डू द कैलकुलेशन एंड गेट द आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन सा पूछा था तुमने, 20 और 28, ओके। सो 20 इसको देख लेते हैं, यहाँ पर what volume should be added to this and finally diluted so that the molarity is 1. So final molarity से start करना ना, final molarity will be equal to final moles upon final volume, ठीक है। तो ये 1.24 एंड फाइनल वॉल्यूम इसका V मान लेते हैं, ठीक है। एंड इसका 200 डाला हुआ है एंड 500 ml पानी डाला हुआ है, ठीक है। और मोल्स कहाँ कहाँ से आएंगे, 1.36 × V एंड 2.4 × 200 से, यहाँ से मोल्स आएंगे। तो इससे आप सॉल्व कर लो, V का आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये, देन और कौन सा पूछा था तुमने, 28 बहुत बकवास है। अरे यार ये वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट है, इसमें आपको पहले तो एलिक्विड वर्ड समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके ऊपर वाला ये 26 तो और दिमाग खराब है, ठीक है। ये क्या है, फालतू में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव कन्वर्ट कर दिया है। यहां पर ऑब्जर्व करो, अब इसमें क्या है, 2 ग्राम पोर्शन ऑफ NaBr एंड Na2SO4, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं NaBr को से मोल्स ऑफ NaBr इज एक्स एंड moles of Na2SO4 is y, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट टोटल मास इज इक्वल टू सम ऑफ दोनों का मास। अब NaBr का मास कितना हो जाएगा, 23 + 80 कितना होता है, 103 एंड 46 + 96 कितना होता है,
142 यही हुआ ना, 46 प्लस 96, तो ये पहला इक्वेशन हो गया ठीक है, क्योंकि टोटल मास 2 ग्राम्स दिया हुआ है। अब क्या करा, इनके 1/5 एलिक्वेट मतलब होता है इक्वल, ठीक है इक्वल पोर्शन निकाल लिया ठीक है, एंड उसमें बोला कि 42.5 ml सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इसको टाइट्रेट करा ठीक है। बहुत गंदी लैंग्वेज है मतलब, ठीक है आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि आप लोग इतना इजीली ग्रास्प कर लोगे। अब यहां पर देखना कि 1/5 वॉज टाइट्रेटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा, ये जो NaBr का Br है उसके साथ रिएक्ट कर AgBr का प्रेसिपिटेट बना देगा ठीक है। ये जो Na2SO4 है उसमें साथ में रिएक्ट करके Ag2SO4 का प्रेसिपिटेट बना देगा ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो ये NaNO3 और ये NaNO3 ठीक है, टाइट्रेटेड विद सिल्वर नाइट्रेट एट एन एवरेज ऑफ 42.5 ml। ठीक है अब इसका लग रहा है आपको टोटल 42.5 ml, अब इसके मोल्स कितने हो गए, ये x/5 मोल्स होगा क्योंकि 1/5 पोर्शन लिया था, और ये y/5 मोल्स हो जाएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज 1/5 पोर्शन लिया था तो यहां पर आप नोटिस करना दैट AgNO3 के कितने मोल्स लगेंगे, x/5 से x/5 मोल्स लगेंगे एंड y/5 से यहां पर 2y/5 मोल्स लगेंगे। सो x/5 प्लस 2y/5 शुड बी इक्वल टू 42.5/1000 इनटू c ठीक है, लेट c बी द concentration of AgNO3 because C is the molarity of AgNO3, ये दूसरा equation हो गया। और फिर तीसरा data point क्या दिया हुआ है कि ये AgNO3 का जब standardization करते हैं तो उसको equimolar इतना KBr लगेगा, बकवास है मतलब। अब इसमें यही AgNO3 ठीक है, इसका 1 ml लगेगा मोल्स ऑफ AgBr और मोल्स ऑफ आई शुड से AgNO3 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ KBr एंड इसके मोल्स आएंगे 0.0125 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 39 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 119 एंड दिस शुड बी इक्वल टू C इनटू 1/1000, C इज द कंसंट्रेशन ठीक है, इनटू वॉल्यूम 1 ml बोला है ठीक है। तो अब इतनी तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल एक्स वाई एंड सी आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे ऐसे क्वेश्चन।
मतलब दीज आर क्वेश्चन दैट आर नॉट समथिंग दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड एट राइट नाउ, क्योंकि आपको फॉर्मली पहली बार तो टाइट्रेशन बताया नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन बताया नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है इस क्वेश्चन में जो कि आप लोगों को मतलब खुद से ही समझ के प्रोग्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद में इसका डाउट था, प्रशस्त का जेई एडवांस में 25, 26, 28, 29। अच्छा 25, 26 मैं नहीं बताऊंगा, 26 फिर से वही गंदगी है, 28 तो मैंने बता ही दिया, 29 भी मैंने बता दिया ना, 28 और 29 तो हो ही गए प्रशस्त, 25, 26 बता देता हूँ। चलो 25 इज अ डिसेंट क्वेश्चन, ठीक है यहाँ पर नोटिस करना 25 कैसा रहेगा। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन ओवर हियर, इसमें थोड़ा सा बस लॉजिक ही लगेगा। देखो यहां पर सरफेस एरिया कवर्ड कितना करना है, 500 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड द एरिया कवर्ड बाय वन एसिड मॉलिक्यूल इज दिस मच ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको यूनिटरी मेथड से कर लो, सरफेस एरिया कवर्ड एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल कितना कवर कर रहा है, 0.21 नैनोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 0.21 × 10⁻¹⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज 1 नैनोमीटर विल बी 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो अगर मुझे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया करना है तो मुझे कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे, तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आप मोल्स निकाल लोगे, ठीक है, कैसे, यू विल डिवाइड दैट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, नाउ नहीं ना आप यूनिट्स का कन्वर्जन करना आदित्य, बिना यूनिट्स का कन्वर्जन करे गड़बड़ हो जाएगी, ये इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूल से तो मोल्स निकालना है ना आपको, तो डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर करना है, ठीक है, ये एन अपॉन एन ए कर दोगे एवोगैड्रोस नंबर तो मोल आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो इससे मास आ जाएगा, मास क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, तो ये मास आ जाएगा। अब आपको बोला जा रहा है कि 4.2 ग्राम्स पर लीटर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और उसमें मास 1 लीटर में 4.24 ग्राम्स है, राइट, तो जितना मास हमने ऊपर निकाला है, ठीक है, उसके लिए कितना वॉल्यूम लगेगा वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, ठीक है, समझ में आया प्रशस्त, कहाँ गया, ठीक है। फिर
26वां क्वेश्चन भी बहुत गंदा है, 26वां क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो नॉट दैट गुड. उसमें मतलब पूरी मेहनत करने के बाद समझ में आता है कि क्वेश्चन ने पोपअप कर दिया, इन द सेंस दैट आउट ऑफ 6 grams मैंने जब पहली बार ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो मैंने इसको x ग्राम्स और इसको 6 - x ग्राम्स करके सॉल्व करना शुरू करा और फिर आंसर मैच नहीं करा और एंड में देखा ए ऑप्शन आंसर है. मतलब ये जो 6 ग्राम है इसमें CuCl2 भी है, CuBr2 भी है एंड कोई इम्प्योरिटी भी है. दैट इज व्हाई दे आर नॉट एडिंग अप टू बी 100%. And I was like, ठीक है भाई, मतलब फालतू की मेहनत कराई. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, मतलब इसको मैं वापस बता देता हूँ कैसे करो, ठीक है. लेट मोल्स ऑफ CuCl2 बी एक्स एंड मोल्स ऑफ CuBr2 बी वाई, ठीक है, एंड दिस इज इन 100 ml वाटर, ठीक है. तो अब 10 ml पोर्शन लिया है उसका, ठीक है, एंड इनको प्रेसिपिटेट करा दिया, ठीक है. सो इन 10 ml पोर्शन मोल्स ऑफ CuCl2 कितने हो जाएंगे, x/10, ठीक है. इसका मतलब मोल्स ऑफ Cl- कितने हो जाएंगे, इसका ट्वाइस, एंड मोल्स ऑफ CuBr2 विल बी y/10. दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ Br- विल बी y/5, ठीक है. ये समझ में आया, 100 ml में x और y मोल थे तो 10 ml में 1/10 हो जाएंगे. एंड मैं अगर Cl- और Br- के बारे में पूछूंगा तो क्योंकि फॉर्मूला में एक CuCl2 में 2 Cl है और एक CuBr2 में 2 Br है, तो आई विल गेट मोल्स ऑफ Cl- एंड Br-, ठीक है. अब इनसे प्रेसिपिटेट करके AgBr बनाया जा रहा है, ठीक है. सो मोल्स ऑफ AgBr फॉर्म कितना हो जाएगा, Ag एक्चुअली दोनों प्रेसिपिटेट हो रहे हैं ना, मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे, दैट विल बी Cl- के बराबर x/5, एंड मोल्स ऑफ AgBr फॉर्म्ड दैट विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ Br- दैट आर देयर, दैट विल बी y/5, है ना. सो नाउ एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, x/5 इंटू इसका मॉलिकुलर वेट 143.5 प्लस y/5 इंटू इसका मॉलिकुलर वेट विच विल बी 188, और ये कितना मास आ रहा है, 0.9605, ठीक है. ये पहली इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, एंड फिर अब ये जितना AgCl है वो AgBr में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. तो फाइनली मोल्स ऑफ AgBr कितने हो गए, y/5 जो ओरिजिनल था प्लस x/5 जो कि AgCl से आएगा, ठीक है, क्योंकि एक मोल AgCl से एक मोल AgBr ही बनने वाला है. तो अभी x/5 प्लस y/5 इंटू 188, इसका मास कितना दिया हुआ है, 1.005. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल x और y सॉल्व करना, ठीक है, समझ में आया प्रशस्त. ठीक है, देन साकेत ने पूछा हुआ है FBS में. साकेत आपके बाद में, श्रव्या आपका साकेत के बाद लेता हूँ मैं,
अरे ये तो उसमें रहेगा ना, ये बुकलेट सॉल्यूशंस में नहीं करा था क्या मैंने? अच्छा इसमें आप साकेत क्या करो, आप इन दोनों के बीच में POAC ऑन कार्बन लगा लो, ठीक है, एंड देन फर्स्ट और लास्ट के बीच में, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में POAC ऑन सिल्वर लगा दो। समझ में आया? यहाँ पर नहीं, क्लोरीन यहाँ पे छूट गया ना बीच में, हाँ सॉरी सिल्वर पे नहीं, सॉरी क्लोरीन पे, हाँ, राइट 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 सर, यहाँ पर और यहाँ करके बीच में POAC ऑन कार्बन लगाओ, एंड यहाँ और यहाँ के बीच में POAC ऑन क्लोरीन लगाओ, दो इक्वेशन दो अननोन एक्स और वाई सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा नहीं, मोल अपॉन कोफिशिएंट नहीं कर पाओगे गौतम, यहाँ पर बैलेंस नहीं है ना, या तो पहले आप बैलेंसिंग करो, आप बैलेंसिंग कर पा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग हो नहीं पाएगी, यहाँ पे पूरा पूरा दिया नहीं है कि क्या क्या रिएक्शन में स्पीशीज है, अदरवाइज आप देखोगे कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन 1:3 के रेशियो में रहेंगे, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हमेशा 1:4 के रेशियो में रहेंगे, तो आप बैलेंसिंग कर नहीं पाओगे गौतम यहाँ पर। ठीक है, अच्छा फिर श्रव्या का डाउट क्या है, मोर देन वन चॉइस में क्वेश्चन नंबर 5, कैस नहीं है वो, कैल्शियम एज है, कैस माने वो कैल्शियम स्पेस एज, ठीक है, प्रेसिपिटेट ऑल द कैल्शियम एज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, देन पैसेज 3 में क्वेश्चन 3, ये तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लो, मतलब यहाँ पर 4/4 into Na, 4/32 into Na into 2, देन 4/48 into Na into 3, एंड 4/ कितना हो जाएगा ये 19, नहीं सॉरी 80 H2O2, 4/34 into Na into 4, मतलब ठीक है ना, ठीक। और किसी का कोई डाउट है? हाँ बोलो ध्रुव। यस सर, एक्चुअली आई हैड अ डाउट इन कॉन्सेप्ट, सो आई एम नॉट एबल टू बैलेंस इक्वेशन वेयर एक्स एंड वाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लाइक CX एंड HY। तो उसमें आप सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन से स्टार्ट करो, ठीक है, वो एक बार दोबारा वीडियो लेक्चर देख लो ना, वो जिसमें मैंने बैलेंसिंग करा हुआ है, तो उसमें आपको पूरा दोबारा से समझ में आ जाएगा, अब तो आपके पास एडवांटेज है, वीडियो लेक्चर्स हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स कार्बन एटम्स हैं तो राइट हैंड साइड पे भी एक्स कार्बन एटम्स कर दिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे वाई हाइड्रोजन एटम्स है तो इफ आई मल्टीप्लाई हेयर बाय वाई बाय टू तो हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो गए, कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब बचा क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन वुड बी एक्स प्लस वाई बाय टू, राइट? 2x बाय वाई नहीं बाय टू। आप देखो यहाँ पर मान लो ए कोफिशिएंट मान लो, तो कितना ऑक्सीजन हो गया इधर 2a यस सर, और इधर कितना ऑक्सीजन है 2x प्लस y वाई बाय बाय टू, टू।
ये क्या हो गया? समझ में आया? हाँ सर, ओके सर. एंड सर, एज वी आर हैविंग अ एग्जाम ऑन सैटरडे सर, सो सर व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी व्हाइल राइटिंग द पेपर एंड व्हाट वुड बी द पैटर्न? सी, पैटर्न विल बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्राइमरीली, ठीक है. एंड उसमें द बेस्ट थिंग वुड बी दैट डोंट ट्राई टू गो लीनियरली. मतलब ऐसा मत करना कि मैं पहला क्वेश्चन आंसर होगा तभी अगले पे जाऊंगा, या दूसरा आंसर होगा तभी तीसरे पे जाऊंगा. Okay. आप क्वेश्चन पढ़ना एंड आपको लग रहा है कि मैं इसको फटाफट आंसर कर सकता हूँ, देखा हुआ सा क्वेश्चन है, तो उसको अटेम्प्ट करना. कोई क्वेश्चन okay. अगर लगे डिफिकल्ट है तो उसको बाद के लिए छोड़ देना, ठीक है. एंड इंश्योर करना कि फर्स्ट आइट्रेशन आपका 40 मिनट्स के अंदर हो जाए. मतलब ठीक है, केमिस्ट्री के लिए प्रॉपरली एक घंटा डेडिकेट करना. ये तो बिल्कुल मत करना कि मैथ्स में ज्यादा टाइम दे दिया, फिजिक्स में ज्यादा टाइम दे दिया. सबको बराबर बराबर एक एक घंटा एलोकेट करना. किसी का अगर एक घंटा खत्म तो वहां पर उसका अटेम्प्ट खत्म, अगले सब्जेक्ट के ऊपर जाना है. क्योंकि इजी क्वेश्चन होगा या हार्ड क्वेश्चन होगा, देखो सबके सेम नंबर होंगे. तो अगर आप गलती से किसी हार्ड क्वेश्चन में अटक गए और टाइम चला गया तो यू विल लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स. सो ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है दैट आप इजी या मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर लो. ओके, ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. चलो, ऑल राइट. अच्छा सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये मैथ सही नहीं कल, ऐसा क्यों? मतलब कल, मतलब सैटरडे को. हाँ, ट्रिगो खत्म नहीं हुआ क्या आप लोगों का? अच्छा, जस्ट खत्म हुआ होगा तो मे बी प्रैक्टिस करने का इतना टाइम नहीं मिला आपको शायद, इसलिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग मूल कंसेप्ट का पेपर दो एंड आई विल देन डिस्कस द पेपर विद यू ऑल्सो, कैसा गया कैसा रहेगा. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट गाइस. वैसे तो कल अपन वापस मिल ही रहे, ठीक है. एंड कुछ और डाउट्स रहेंगे तो कल भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, ऑल राइट, लेट मी क्लोज द लेक्चर. आप लोग अभी खाना खाओ ताकि फिर मैथ्स का लेक्चर अटेंड कर सको. Thank you.